होली के पावन पर्व से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सरोजनी नगर स्थित वयोश्रेष्ठ मंदिरम वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ होली मनाई, जहां अपने बीच जिलाधिकारी को पाकर वृद्धाश्रम के बुजुर्ग भावुक हो उठे। आपको बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने वयोश्रेष्ठ मंदिरम वृद्धाश्रम में अपनों से दूर रह रहे बुजुर्गों से बातचीत कर उनका हाल जाना। साथ ही जिलाधिकारी ने खुद फूलों से भरी थाली को हाथ में लेकर बुजुर्गों पर पुष्प बरसा कर होली खेली। वहीं बुजुर्गों ने भी जिलाधिकारी को गुलाल का तिलक किया और फूलों से होली खेली। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने एक एक कर बुजुर्गों के साथ होली मनाई और उन्हें मिठाइयां बांटी। इसके बाद बुजुर्गों ने जिलाधिकारी को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बुजुर्गों से बातचीत करते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव में आप सभी को बहुत बड़ा परिवार मिला है, सब लोग मिलकर खुशियां मनाइए। आप सभी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जल्द ही एक स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा। आप लोग यहाँ एक परिवार के रूप में अभी होली के इस उत्सव को मनाइए और इसे एंजॉय करिए। हाँ, इसको आप आत्मसात करने की, ये आपका परिवार है और इतने सारे इतने मधुर लोग आपके पास में हैं, तो जीवन के इस दौर में आपको ये एक नया और ज़्यादा बड़ा परिवार मिला है, तो इसमें आप होली अच्छी तरह से मनाइए। हम लोगों की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और अगर जैसे जब उम्र बढ़ती है तो हो सकता है कुछ मेडिकल से रिलेटेड इशूज़ हों, तो वो यहाँ SDM साहब को हम बोल के जाएंगे अभी एक मेडिकल कैंप यहाँ पे लगवा देंगे और फिर इसके बाद में आप लोगों की कोई भी इस तरह की ज़रूरतें होंगी तो वो बहुत आसानी से आपको सुगमता से उसमें सहयोग मिलता रहेगा।